नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका एस्ट्रो तक पे। आप देख रहे हैं तंत्र मंत्र और विज्ञान और मैं हूँ श्रुति द्विवेदी। अक्षय तृतीया पर कैसे करें पितृ दोष मुक्ति के सरल उपाय। आगामी 18 अप्रैल यानी कि कल अक्षय तृतीया है। जैसे कि नाम से स्पष्ट है, अक्षय अर्थात जिसका कभी क्षय ना हो। अक्षय तृतीया एक बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व है। अक्षय तृतीया को अबूझ और स्वयं सिद्ध मुहूर्त की मान्यता प्राप्त है। प्रतिवर्ष अक्षय तृतीया का पर्व वैशाख शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है। इस बार अक्षय तृतीया 18 अप्रैल को कृतिका नक्षत्र और सर्वार्थ सिद्धि योग में रहेगी, जो बहुत ही दुर्लभ और शुभ संयोग है। अक्षय तृतीया के दिन संपन्न की गई साधनाएं और दान अक्षय रहकर शीघ्र फलदायी होते हैं। अक्षय तृतीया के दिन साधक हत्ता जोड़ी सिद्धि लक्ष्मी प्राप्ति साधना अरिष्ट निवारण साधना संपन्न कर लाभ प्राप्त कर सकते हैं। पितृदोष से मुक्ति के लिए अक्षय तृतीया बहुत अच्छा अवसर है। इस दिन पितृगणों के निमित्त दिया गया दान अक्षय होकर पितृगणों को तुष्ट करता है। अक्षय तृतीया के दिन क्या करें सुख शांति के लिए पहला उपाय जानते हैं। 11 गोमती चक्रों को लाल रेशमी वस्त्र में बांधकर चांदी के डिब्बे में रखकर पूजा स्थान में रखने से घर में सदैव सुख शांति का वातावरण बना रहता है। व्यापारिक लाभ के लिए क्या किया जाए 27 गोमती चक्रों को पीले या लाल रेशमी वस्त्र में बांधकर अपने प्रतिष्ठान के मुख्य द्वार पर बांधने से व्यापार में आशातीत लाभ होता है। कर्म क्षेत्र में यदि लाभ चाहिए, यदि कर्म क्षेत्र में बाधाएं आ रही हैं या पदोन्नति में रुकावटें हो रही हैं, तो अक्षय तृतीया के दिन शिवालय में शिवलिंग पर 13 गोमती चक्र अपनी मनोकामना का स्मरण करते हुए अर्पित करने से लाभ होता है। भाग्योदय के लिए क्या किया जाए भाग्योदय के लिए अक्षय तृतीया के दिन सुबह उठते ही सर्वप्रथम 11 गोमती चक्रों को पीस कर उनका चूर्ण बना लें। फिर इस चूर्ण को अपने घर के मुख्य द्वार के सामने अपने इष्ट देव को स्मरण करते हुए बिखेर दें। इस प्रयोग से कुछ ही दिनों में साधक का दुर्भाग्य समाप्त होकर भाग्योदय होता है। पितृ दोष से मुक्ति के लिए क्या किया जाए जिन जातकों की जन्म पत्रिका में पितृ दोष है तो वे अक्षय तृतीया के दिन सुबह उठकर किसी स्वच्छ स्थान या मंदिर में लगे पीपल के ऊपर अपने पितृगणों के निमित्त घर का बना मिष्ठान और एक मटकी में शुद्ध जल रखें। पीपल के नीचे धूप दीप प्रज्वलित कर अपने पितृगणों की संतुष्टि के लिए प्रार्थना करें। इसके बाद बिना पीछे देखे सीधे अपने घर लौट आए। ध्यान रखें इस प्रयोग को करते समय अन्य किसी व्यक्ति की दृष्टि ना पड़े। इस प्रयोग को करने से पितृगण शीघ्र ही संतुष्ट होकर अपना आशीर्वाद प्रदान करते हैं। ऐसे ही खास बातें लेकर आऊंगी मैं आपके लिए केवल तंत्र मंत्र और विज्ञान में एस्ट्रो तक पर। नमस्कार।